अग्रेस्व तम पाही माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडित शास्त्री ज्योतिषाचार्य तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज आपको चाणक्य नीति से कुछ ऐसी नीतियों के विषय में बताऊंगा जिनका अनुसरण करके आप अपने जीवन में बहुत सफलताओं को प्राप्त कर सकते हो। यदि आप जीवन में इन गलतियों को यदि आप करते हो तो आप समझ लीजिए आपकी बर्बादी, आपके घर में दरिद्रता का आना निश्चित है। तो इन बातों को आपको सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक रखना है अपने जीवन काल में। ये कौन सी बातें हैं ये बताने से पूर्व आप लोगों से एक आग्रह करूंगा, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तुरंत वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वरना बाद में आप भूल जाएंगे। मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे उम्मीद आपको पसंद आ रहे होंगे। कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। अब मैं चाणक्य नीति के उन प्रमुख नीतियों के विषय में बताऊंगा जिनका अनुसरण करके आप धनवान बन सकते हैं, आप अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं, और जो भी समस्याएं आपके जीवन काल में चली आ रही है उसको आप समाप्त कर सकते हैं। चाणक्य एक महान ज्ञानी पंडित है जिनको आप सभी जानते हैं। उनकी नीतियों के कारण चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक सामान्य सा लड़का था, आगे चल के उनकी नीतियों के कारण एक सम्राट बन गया। चाणक्य ने अपनी नीति से एक सामान्य बालक को एक आगे चल के एक सम्राट बना दिया। ऐसी अनोखी नीतियां हैं चाणक्य की। उन्होंने अपनी नीतियों का वर्णन किया है जिनको आप अनुसरण करके अपने जीवन को सुख समृद्ध और सफलता से भर सकते हैं। ऐसी कुछ नीतियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कलम पेन जिसे कहते हैं, कभी भी दूसरों का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप घर से बाहर निकले ये ध्यान रखें आपके पास पेन रहे। हम जनरली लोगों से पेन मांग लेते हैं, यूज कर लेते हैं, और कई बार होता है हम उसे वापस करना भूल जाते हैं। ऐसा करेंगे यदि आप उस पेन को लेके आएंगे दूसरे को उपयोग किया हुआ पेन, तो कहीं ना कहीं आपको पैसे की तकलीफ ये देने लगेगा। जीवन काल में आपको पैसे से संबंधित तकलीफ होने लगेगी। तो यदि आप पेन गलती से नहीं ले गए हैं, कहीं आपको जरूरत पड़ी, आपने दूसरे से मांगा है, तो तुरंत उसको वापस कर दें। यदि गलती से आप ले आए पेन को तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, या किसी गरीब बालक जिसे उस पेन की जरूरत है उसे आप दे सकते हैं। उसी प्रकार रुमाल, कभी किसी का रुमाल उपयोग ना करें, अन्यथा आप दोनों के बीच मतभेद लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और दूसरे का उपयोग किया हुआ रुमाल आप उपयोग करेंगे तो उसकी नकारात्मक शक्ति आप पे हावी हो सकती है। वास्तु के अनुसार बात करेंगे तो स्वास्थ्य पे भी बुरा इफेक्ट आता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उसी प्रकार बिस्तर कभी भी किसी का उपयोग ना करें, इसके बहुत बुरे प्रभाव जीवन काल में देखने को मिलते हैं। पैसों की तंगी तो लाता ही है, एक प्रकार का वास्तु दोष निर्मित कर देता है, तो कभी किसी का बिस्तर न ले न दे। उसी प्रकार हाथ में पहनी हुई जो घड़ी होती है हमारी, उसको भी आप किसी को ना दे, और ना ही किसी की पहनी हुई घड़ी को ले, क्योंकि घड़ी के साथ हमारा समय जुड़ा रहता है, हमारा अच्छा बुरा। यदि आपका अच्छा समय चल रहा है और आप उस घड़ी को किसी को दे देते हैं तो हो सकता है आपका अच्छा समय उसके घड़ी के साथ उसके पास चला जाए, या सामने वाले का बुरा समय चल रहा है आप उस घड़ी को उससे ले लेते हैं तो हो सकता है उसका बुरा समय आपके पास आ जाए, आपका बुरा समय चालू हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पैसों की तकलीफ कभी ना कभी जीवन काल में सबको पड़ती है, और हम उसे पूरा करने के लिए कई बार उधार लेते हैं। उधार लेना गलत नहीं है, लेकिन उसे वापस जरूर करना। यदि वापस आप नहीं करते हैं तो ये गलत है। यदि आप दूसरे का पैसा अपने पास रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जीवन काल में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आपके स्वयं के कर्म ही होते हैं जो आपको तकलीफ झेलने पे मजबूर कर देते हैं, और आपके स्वयं के अच्छे कर्म आपको ऊंचाइयों पे लेके चले जाते हैं। तो आपके जीवन काल में जो भी होता है वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग व्यवस्थित रहता है। उसी प्रकार कपड़ों का भी आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। कपड़ों के साथ बहुत आसानी से नकारात्मक जो शक्तियां होती है इसे दूसरे के पास चली जाती है, और कई बार उसकी दुर्भाग्य भी आपके पास आ जाता है और आपका सौभाग्य उसके पास चला जाता है। तो जितना हो सके कपड़ों का भी आदान प्रदान से बचें। तो इसके साथ मैं यही आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी। नमस्कार मित्रों।